अभी जो एवरेज ग्रोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है वो करीब 16-17% के आसपास चल रही है, जो मेरा ऐसा मानना है कि और अगले 2 सालों में 30% पर ईयर के एवरेज एनुअल ग्रोथ से बढ़ेगी। और 2030 तक जो गवर्नमेंट का भी टारगेट है वो ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी व्हीकल्स हैं उनका 30% लगभग इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर ये ही हो जाए तो ये इतना बड़ा वॉल्यूम है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा वॉल्यूम है। और जहाँ तक बात आती है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर सिस्टम्स की, तो शायद ही कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको पता हो कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में पॉइनियर हैं एज अ सर्वोटेक। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि इंडिया में जितने चार्जर इंस्टॉल्ड हो चुके हैं राइट, उनका 25% से ज़्यादा शेयर हमारा अकेला है। वी हैव इंस्टॉल्ड मोर देन 25%। अब इसके पीछे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारी कंपनी की जो थॉट प्रोसेस है और जो विजन है एज अ इंडियन, और वो जिम्मा जब उठाया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर, क्योंकि हम बहुत पहले से पावर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स में हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर में हमने ये जिम्मा उठाया कि एज अ सर्वोटेक हम जो काम करेंगे हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो एप्पल के लेवल की क्वालिटी का होगा। तो हमने ये तय कर लिया कि एज अ सर्वोटेक हमारा प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा, रिसेम्बलेंस करेगा कि वी आर एप्पल। हमारे प्रोडक्ट में वही फील हम अपने कस्टमर को देना चाहते हैं कि क्वालिटी विल बी इक्विवेलेंट टू एप्पल एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग विल बी इक्वल टू चाइना एफओबी प्राइस। दैट मीन्स जिस प्राइस पे चाइना कोई प्रोडक्ट वहां पर देता है, अभी उसकी फ्रेट कार्टेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी कि आने में जो कॉस्ट आती है, इम्पोर्ट ड्यूटी आती है, कुछ नहीं, जितने में वहां का एक मैन्युफैक्चरर बेचेगा उतने में हम यहां के लोगों को मुहैया कराएंगे। अगर हमने ये कर लिया तो हमारा मिशन कामयाब हो गया और हम अगले 3 साल में ये करके दिखाएंगे। और इस सब को करने के लिए आप जैसी इंस्टीट्यूट से हमें वो लोग चाहिए, वो इंजीनियर्स चाहिए जो इंजीनियर्स ये कहते हो कि हम आगे बढ़ के आपके साथ हैं और हम मिलके हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और हम ये करके दिखाएंगे कि चाइना हो या कोई और हो, हम इंडिया में बैठ के वो बढ़िया प्रोडक्ट वर्ल्ड को दे सकते हैं। ये कर रही है और ये अगले 3 सालों में करके दिखाना है। थैंक यू। Super motivating.